ओम शांति। आज 21 सितंबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चे प्यार के सागर के बच्चे हो, सबके साथ बड़ा प्यार से व्यवहार करना है। और दूसरी बात बाबा कहे, सबको मैसेज देना है, कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं करना है, कर्मेंद्रिय से कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर है, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रिय से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो, सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूढ़ी तो नहीं हूं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। आज की मुरली का गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाएंगे, जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है, मैसेज है बहुत सहज। मैसेज क्या देना है वो बाबा कहे सहज से सहज है, सिर्फ बोलो, अपने को आत्म समझ, बाप को याद करो। तो मैसेज क्या देना है बाबा का? बाबा कहे सिर्फ बोलो, अपने को आत्म समझ, बाप को याद करो। और कोई भी कर्मेंद्रिय से, मनसा वाचा कर्मणा, कोई बुरा काम नहीं करना। यही मैसेज है, अपने को आत्म समझ कर बाप को याद करना। और कोई भी कर्मेंद्रिय से, मनसा वाचा कर्मणा से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है, तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करे, बाबा कहे ऐसे ही गुस्सा नहीं निकलता है, पहले मन में संकल्प आता है गुस्सा करे। अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा, बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, अभी गुस्सा हो गया फिर आगे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। बाबा कहे ऐसे फिर कहा तो फिर आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं ये पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने बताया है
ये बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेम्बर गॉड फादर। वह समझते हैं ये गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वह लोग यह तो जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहां जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा ना सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं, बाबा कहे जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं, तब तो एक दो को कहते हैं कि गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती है, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा कहती है कि गॉड फादर को याद करो, आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। यह एक कॉमन रस्म है, मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्म की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ। याद में रह जो कर्म करते हैं वह अच्छे करते हैं, बाबा की याद में रह करके जो कर्म करेंगे वो अच्छे होंगे। बाबा कहते याद में रह जो कर्म करते हैं वह अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं, राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहां बुलावा होता है यह करना चाहिए व नहीं करना चाहिए। हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं, बाबा कहे समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं, तो उन्हें भी कहा जाता है तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची न करे तो बाद में मार। बाबा कहे पहले प्यार से समझाओ, सच्चे न करे तो बाद में मार। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा, तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाएंगे तो समझेंगे। कितनी अच्छी बाबा ने यहाँ धारणा की बात की कि खाली प्यार से समझाने से शायद न भी माने, परंतु अगर प्यार में योग बल भरा होगा अर्थात बाबा की याद उसमें भरी होगी, तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं, महसूसता उनको ये आएंगी, यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उसमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है, अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते हैं किसको भी दुख नहीं देना है, प्यार से सबसे व्यवहार करे, गुस्सा नहीं करना है। दूसरी बात बाबा कहे किसी को भी दुख नहीं देना है, नहीं तो क्या होगा,
दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं, मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है। कर्मेंद्रिय से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ, वह महिमा गाते हैं। आप सर्व गुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण हो और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं, तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम यह बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। ऐसे बाबा कहे, अपना चार्ट देखो, अपने जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं, मूढ़ी तो नहीं बनता हूं। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है, बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूं। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वह जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूंद ऐसी है, कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होंगी तो जरूर करेंगे। अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा, समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। जो ऐसे ड्रामा के सहारे चलते हैं तो बाबा कहे समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा। साकार बाबा के समय भी कोई एक बच्चा ऐसा था जो बिगड़ा था और कहा तकदीर में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो यह खड़ा है, बैच तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मिल देखते हो तो बैज को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो, कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, मुख से कोई इविल बात ना निकले। बाबा कहे इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, इविल कोई बात नहीं, इन्होंने भी प्रालब्ध बाप द्वारा ही पाई है। यह तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है, सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना, इस समय तुम बदल रहे, मनुष्य ही देवता बनते हैं, सब कोई इकट्ठा थोड़ी आएंगे, आएंगे फिर नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगर समय एक्टर थोड़ी स्टेज पर आ जाएंगे, अंदर बैठे रहते हैं, जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने। वह है हद का नाटक, यह है बेहद का। बुद्धि में है हम एक्टर्स की अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है, हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है। यह बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ न सके। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे,
पाठ बजाने सो भी नंबर वार, झाड़ के राज को भी समझना है। बाबा कहिए झाड़ के राज को भी समझना है। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं, इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूं। निराकारी झाड़ से इसकी भेंट होती है, अर्थात ये ऊर्ध्व मूल है जिसका मूल बीज ऊपर है और सारा झाड़ नीचे फैला हुआ है। तो परम धाम में ये निराकारी झाड़ बीज ऊपर और सारा वृक्ष नीचे है। तो बाप कहते मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का मैं बीज हूं। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। बीज में झाड़ समाया हुआ ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन शिव बाबा बीज में सारे झाड़ का आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पाठ है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। इनका बीज ऊपर में है, इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में। तुम जानते हो हमको जाना है घर जहां आत्माएं रहती है। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारे विश्व पवित्र हो जाती है। बाबा कहे तुम्हारे द्वारा योग बल से सारे विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। इसीलिए बाबा कहे तुम जब पवित्र बनते हो तो बाबा को सारी दुनिया को भी पवित्र बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं? 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है। सब पावन बन जाते हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। कलयुग जैसे ही पूरा होगा तो यह नहीं कि अंत हो गई फिर ठहर जाएगा समय, फिर वापस नए सिर शुरू होगा। नहीं, यह ड्रामा एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प के बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं। यह तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते ही 21 जन्म के लिए हम सदा सुखी बनते हैं। बाबा जब आते हैं तो हम सब आत्माओं को 21 जन्म के लिए सदा सुखी बना देते हैं। तो बाप आते हैं 21 जन्म के लिए हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना, जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वो सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी है तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। क्रोध ऐसा विकार है जो जिसको कहा जाए एक ने किया तो दूसरे को भी सहज आ जाता है। ताली दो हाथ की बजती है, वहां ऐसे नहीं होता है। यहां तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, अर्थात फूल चढ़ाओ मना, प्रैक्टिकल में जाकर फूल चढ़ाने की बात नहीं है, प्यार से समझाओ। यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे।
क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसका ठंडा? ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहां जाते हैं वहां से निकाल देते हैं, उनको वहां रखते नहीं है, निकाल देते हैं। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं। सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम सब अंतर्यामी हो। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं अर्थात तुम सब अंतर्यामी हो। अंतर्यामी माना एक एक के अंदर का बैठ के नहीं जानते हैं, लेकिन टोटली ये ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आत्मा अंदर में जानती है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्य की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाता है अंतर्यामी। तो अंतर्यामी शब्द को बाबा ने स्पष्ट किया कि किसको अंतर्यामी कहा जाता है। आत्मा को सब मालूम पड़ गया। ऐसे नहीं भगवान घटघट वासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है। शिव बाबा कहे मुझे भी अंतर्यामी कह देते कि हरेक के अंदर के बैठ को जानते हैं, लेकिन बाबा कहे जिसको जो पुरुषार्थ जैसा किया है उसको वैसा फल मिलेगा। तो मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस कुल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। यह पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए। अब न पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। यह बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं। दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं तो कहते हैं ना बाकी इतने दिन है, फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है। हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। शाहूकार को तो शाहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है फिर अचानक पता पड़ेगा। यह तो सच कहते थे। सच को तब समझे जब सच का संग हो। सच को तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो। तुम सत बनते हो सत बाप के द्वारा। तुम सत बनते हो सत बाप द्वारा। वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कॉन्ट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिरन विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया है वह जरूर पाएंगे। यह सर्टन है। वहां अकाले मृत्यु होता नहीं। आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा।
कृष्ण की बात शोभती नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहां से आएगा? वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, यह बना बनाया खेल है। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, यह बना बनाया खेल है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहे, ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पार्ट भरा हुआ है, इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो यह पैगाम देना है कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु यह बातें समझने वाले नंबरवार है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी, बाबा कहे, साथ में रहने वालों से भी बांधेलियां ज्यादा याद करती है, वह ऊंच पद पा सकती है। यह भी समझ की बात है ना, बाबा की याद में बहुत तड़पती है। बाप कहते, बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो, तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। तो बाबा को याद करो, याद के साथ दैवी गुण धारण करो, तो पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं, ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। दूसरी पॉइंट, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है, ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। आज की मुरली का मीठा वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव, वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए, इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।